दो साल पहले आज ही के दिन यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तभी गाड़ियों का एक काफिला आया और किसानों को रौंदते हुए चला गया। इस घटना के दौरान लगभग 8 किसानों की मौत हो गई थी और कई घायल भी हुए थे। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया और उस पर केस भी चल रहा है। वहीं किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। इस हादसे के 2 साल पूरे हो जाने पर आज भी किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अंबाला में आज किसानों ने अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा का पुतला फूंका और मांग की है कि तुरंत अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाया जाए। ये पुतला अजय मिश्रा टेनी के बेटे का जलाया गया है। उन्होंने किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, जीप चढ़ाकर नरसंहार किया, काफी किसानों की मौत हो गई थी। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो अपनी सीट पर मंत्री मंडल के पद पर बैठे हुए हैं। उनके विरोध में जलाया गया है ताकि सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई करे और उनका जो मंत्री पद है उसको निरस्त करे। आज की हमारी मुख्य मांगे 4 हैं। हरियाणा सरकार से जो मेरी फसल मेरी ब्यौरा का पोर्टल था, इन्होंने 28 तारीख को चलता किया और 29-30 तक इन्होंने चलाया, लेकिन साइट नहीं चल पाई, ओवरलोड हो गई थी। काफी किसानों का मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल नहीं चला और उन किसानों की धान की फसल पक्की ट्रालियों में खड़ी है और उनका गेट पास मार्केट कमेटी द्वारा हिदायत के अनुसार नहीं काटा जाता। हमारी सरकार से अपील है कि आज ही तुरंत फौरन जो मेरी फसल मेरी ब्यौरा की साइट है उसको ओपन कर दें, खोल दें, ताकि किसान अपना गेट पास कटवा सकें। और दूसरी मांग हमारी है कि जो किसान आजकल अपनी धान की फसल काट रहे हैं उसके अवशेष जलाने के लिए जब आलू का खेत तैयार करना पड़ता है, ये ट्राली को जलाना ही किसान की मजबूरी है, लेकिन कृषि विभाग के कुछ अधिकारी कल फतेहगढ़ के अंदर जटवाड़ के अंदर किसानों का चलान काटने गए थे। इन चलानों को फौरन प्रभाव से बंद किया जाए और किसानों को जो पराली के अवशेष हैं जलाने की खुली छूट दी जाए। और गन्ना सुगर मिल की पेमेंट के बारे में डीसी साहब ने हमारे को कहा था पिछले महीने 20 तारीख से पेमेंट जल्दी शुरू हो जाएगी, 1 रुपया किसी किसान के खाते के अंदर नहीं आया, उसकी पेमेंट जल्दी से जल्दी डाली जाए। और जो रविंदर सिंह की 22 तारीख को आंदोलन के अंदर टांग कट गई थी पुलिस की तशद्दुद के कारण, उस किसान साथी को अब तक ना कोई रुपया दिया गया उसके इलाज का, ना उसको सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। ये हमारी आज की मुख्य मांगे थी और इसको लेकर हम डीसी कार्यालय के अंदर प्रदर्शन करेंगे। डीसी अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।